हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एपिलेटर्स। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कहीं बहुत इमरजेंसी में जाना पड़ता है, लेकिन क्या होता है हमारे थ्रेडिंग पे काफ़ी हेयर्स होते हैं या हमारे अपर लिप्स पे या हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कैसी प्रॉब्लम की हम बाहर जा नहीं पाते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम बाहर जाएं, या फिर कुछ पर्सन्स या लेडीज़ ऐसी होती हैं जो यानी वैक्स नहीं करवाती अपने फेस पे, लेकिन उन्हें अपना एक क्लीन स्मूथ सरफेस चाहिए होता है, या कुछ की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके फेस पे हेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं। बार बार वैक्स करवाने से स्किन पे इफ़ेक्ट पड़ता है ना, तो उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो एपिलेटर्स यही काम करते हैं। एपिलेटर्स क्या करते हैं, जो एक्सेस हेयर्स होती हैं उन्हें रिमूव करते हैं और बहुत स्मूथली रिमूव करते हैं कि अपनी स्किन पे पता भी नहीं लगता कि हेयर्स हैं भी या नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है मेरे पास एपिलेटर, दिस वन। अब इसका जो हमें ये मैं आपको इसका रिव्यू भी कर रही हूँ एक तरह से, और ये बहुत अच्छा एपिलेटर है। मेरे पास टू एपिलेटर्स हैं ये, और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट जो है इनमें मुझे देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस तरह की पैकिंग में ये है, और ये है मेरे पास एपिलेटर। ये देखिए, इस तरह का होता है ये एक पेन की शेप में होता है। ओके, और इसको यूज़ कैसे करना है, किस तरह से यूज़ करना है, ये मैं आपको रिप्रेजेंट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसको यूज़ करने के लिए, इस एपिलेटर को यूज़ करने के लिए आपको इसके अंदर सेल डालना पड़ता है। तो सेल डालने के लिए, जैसे कि ये जो बैक वाला पार्ट है, देखिए फ्रंट वाले पार्ट में इसको आपको इस तरह का सर्कुलर फॉर्म में, जिस जहाँ से हमारे हेयर्स रिमूव होते हैं, सर्कुलर फॉर्मेशन में है, और इसको हम इसको बैक से अगर ओपन करेंगे, अगर हम इसे बैक से ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बैटरी डालने के लिए यानी कि सेल डालने के लिए आपको स्पेस दिया जाता है। तो ये हमारा सेल है जिसको कि हमें इसमें डालना होता है। इस साइज़ का हमारे पास सेल होता है, और यही सेल जो है इसमें डलता है। तो इसमें इस तरह से सेल डालने के बाद हमें क्या कर देते हैं, हम इसे बंद कर देते हैं, क्योंकि बिना सेल के ये नहीं चलता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे कि जब भी आप इसमें सेल डालोगे, तो क्या होगा कि आप इसको, हमने इसमें सेल डाला था तो हमने इसे ओपन किया, तो ये जो है ये आगे इसका बटन होता है। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये इसका बटन होता है, जब आप इसे ऊपर की साइड प्रेस करते हैं तब ये चल जाता है, यानी कि अपनी वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। अब देखिए, है ना, मैंने इसे ऑन किया तो ये इसकी वर्किंग कंडीशन में आ गया। आपको साउंड सुनाई दे रही होगी, बहुत कम साउंड होती है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है, वर्क ये ऐसे करता है कि जब आप इसे ऑन करते हैं, इसके बटन को प्रेस करते हैं, तो आपको इसको सर्कुलर फॉर्मेशन में रोटेट करना होता है। और इसको यूज़ कैसे करेंगे, सपोज हमने इसे चलाया एंड देन इस तरह से आपको इसे यूज़ करना होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से एक्सेस हेयर्स ही निकाल सकते हैं, या अपने फोरहेड या अपने साइड के कोई भी हेयर्स निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप इसे बटन को ऑफ कर देंगे। तो ये जो है बहुत ही, यानी कि आप इसे हैंडल करना इजी है, आप इसको कैरी करना इजी है, आप इसे अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं, आप इसे किसी भी तरह कैरी कर सकते हैं। और देखिए, मैंने ना यहाँ से अपने हेयर्स निकाले, तो ये जो हेयर्स हैं ना बहुत ज़्यादा स्मूथली इसने जो है वो निकाल दिए हैं, बहुत स्मूथ फिनिशिंग दी है। तो इसका इफ़ेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है ना कुछ भी करने का, यानी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप पार्लर में जाएं या कुछ भी करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो ये जो है एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आप इसे अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह के आते हैं, आपके ये जो फेस के यहाँ पे कभी कभी बहुत सारे हेयर्स आ जाते हैं, या इस डायरेक्शन में बहुत सारे हेयर्स आ जाते हैं, या फोरहेड पे बहुत सारे हेयर्स आ जाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। तो मेरे पास तो ये दो दो हैं,
मेरे पास तो दो दो हैं और मैं इन्हें बहुत प्रॉपरली यूज़ करती हूँ और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगते हैं, इस वजह से मेरे पास ये दो हैं। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, जब इसे ट्राई करोगे इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। इसके लिए कोई स्पेशल सेल भी नहीं खरीदने पड़ते, सेल भी इसका वही आते हैं जो आपको मार्केट में, यानी कि मार्केट से इजीली जो आप अपने रिमोट वगैरह में यूज़ करते हो, सेम वही सेल जो या फिर अपने वॉचेस में यूज़ करते हो, वॉल वॉच होती हैं उनमें यूज़ करते हो, तो वो उन वही सेल्स में डलते हैं। तो कुछ एक्सेस इसमें करना नहीं पड़ता और आप कहीं भी बैठे कभी भी कर सकते हो, बिना शीशा देखे भी कर सकते हो, तब भी ये बहुत ही अच्छे और जेन्युइन रिजल्ट देता है। तो इसकी जो स्मूथनेस है बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे से ये हेयर्स को रिमूव करता है। सबसे अच्छी बात है कि जब हम इससे हेयर्स को रिमूव करते हैं तो इससे पेन भी नहीं होता, बिल्कुल पेनलेस है, कोई भी इससे पेन नहीं होगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसका मैंने इसमें सिर्फ एक ही सेल डालता है, मैंने इसको प्रॉपर यूज़ करने का तरीका बताया कि इसमें सेल कैसे डालने हैं, इसको कैसे यूज़ करना है प्रॉपर वे। इसी तरह से ही आप इसे पूरे फेस पे यूज़ कर सकते हो और आपको फ्लॉलेस रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे जो एपिलेटर्स है, जो हेयर रिमूवल है, जो कि पेनलेस है, ठीक है। और अगर आप वैक्स से रेगुलरली परेशान हो चुके हो कि मैं बार बार वैक्स नहीं करा सकती, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसका जो लिंक है आपको व्यू प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा और आप उसे इजीली बाय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि आपने पहले भी कहा था कि एपिलेटर्स के बारे में कोई वीडियो बताएं, तो मैंने बता दी, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, देखिए सर्कुलर फॉर्मेशन में है, ठीक है। आपको जब भी यूज़ करना है इसका बटन ऑन करके जस्ट इसे इस तरह से सर्कुलर फॉर्मेशन में मूव करना है, ठीक है। धीरे धीरे इसको रोटेट करना है, सेम यहाँ पे भी इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसे रोटेट करना है। और कहीं भी फेस पे किसी भी पार्ट पे आप इसे यूज़ कर सकते हो, इस पार्ट पे यूज़ कीजिए, यहाँ पर, ये जो पूरी है वो किसी भी फेस के किसी भी पार्ट पे आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। आप इसे पर्स में डाल के ले जा सकते हो। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा गैजेट है ये रेगुलर यूज़ के लिए, और आई थिंक कि आपके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट रहने वाला है। तो इसी वजह से फेस वैक्स से परेशान है तो इसका यूज़ कीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।